हूं। तो साध्वी जी आपको क्या लगता है ऐसा लोगों का प्रश्न है कि मानते हैं कि अपने धर्म जब इतना हम धर्म को मानने वाले हैं तो एकता क्यों नहीं है सब मत संप्रदाय पति ये सब अलग अलग है क्यों है हम सिर्फ केवल सनातन के अंतर्गत भी तो चल सकते हैं ये रंगों में क्यों बांट रखा है भगवा या हरा इसमें क्यों बांट रखा है और जब हम धर्म की बात करते हैं तो आजकल हम देखते हैं जब धार्मिक जो बातें कर रहा है उसको बीजेपी से रिलेटेड कर दिया जाता है क्योंकि बीजेपी को मानने वाला है इसलिए इतना धार्मिक बन रहा है या धर्म की चर्चा कर रहा है मैंने भगवे को धारण किया है ध्यान देना और मैं सदा मौत के मुंह में रहती हूं और अब से नहीं बचपन से रहती हूं अंगारों से खेलना मेरी आदत सी बन गई है संघर्षों का जीवन अब तो कुछ भी नहीं मेरे भाइयों उत्तर प्रदेश की धरती पर अभी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी बहन उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना यह थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं सच को सच कहती हूं उस समय हजारों गरीब लोगों के घर तुड़वाए थे एक रामपुर के मौलाना ने नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये अति पवित्र मंच है समझ गए होंगे जब उस मौलाना ने दलितों के गरीबों के घर तुड़वाए तो मैंने अपना धर्म समझा मैं हैदराबाद से चल करके कर आई और मैंने घोषणा की मौलाना मैं रामपुर के अंदर आ रही हूं प्रातःकाल सात बजे में दिल्ली से निकली हैदराबाद से आकर के और जब दिल्ली में पहुंची तो उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे मैंने गाजियाबाद का बॉर्डर डासना पार किया तो चप्पे चप्पे पर पुलिस थी मैंने लगभग दस ड्रेस चेंज करके मोटर साइकिल चला चला करके खेतों के रास्ते से मैं रात के एक बजे रामपुर के अंदर पहुंची और मैंने कहा था मौलाना अगर तेरी हिम्मत है तो जरा एक गरीब का घर गर तुड़वा करके दिखा मैं यहाँ पर आ चुकी हूं बुलडोजर घर पर नहीं किसी गरीब के घर गर पर नहीं चलेगा बुलडोजर चलेगा तो साध्वी प्राची की छाती पर चलेगा साध्वी प्राची के ऊपर चलेगा धर्म जीवन जीने की कला तो बता ध्यान देना धर्म इति धर्म है भाई अंकुर जी ने भाई गौतम जी ने काजल जी ने अभी बहुत सुंदर और पुज्य स्वामी जी ने बताया धर्म धर्मा है। शास्त्र कहते हैं धर्म धारण किया जाता है मुझे जो अच्छा लगे मैं वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करूं, यही धर्म है मुझे अच्छा लगता है कि मेरा सम्मान मीनाक्षी जी करे तो मेरा भी धर्म है कि मैं आपका सम्मान करूं ये धर्म सिखाता है धर्म का मतलब है कर्तव्य ड्यूटी व्यक्तिगत धर्म हमारा अलग है पारिवारिक धर्म हमारा अलग है सामाजिक धर्म हमारा अलग है और राष्ट्र धर्म हमारा अलग है इसीलिए मैं कई बार कहती हूं कि हम व्यक्तिगत धर्म व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके धर्म को नहीं व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए और उसके लिए मैं बहुत बार कहती हूं कि धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए राम चेतना अभियान के लिए यानी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना के रहेंगे विश्व गुरु बना के रहेंगे विश्व गुरु बना के रहेंगे ये हर भारतीय को हर हिंदुस्तानी को ये संकल्प लेना चाहिए हम धार्मिक है बहुत अच्छी बात है केवल हमारे स्वामी जी ने बताया है ना पूज्य स्वामी जी आ रहे थे हम माला श्री नहीं है हाँ हमारे हाथ में माला भी है और हमारे हाथ में भाला भी है तो फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आज समस्या यही हो रही है कि हमारे हाथ में माला है हम तो धार्मिक है जी हमने घंटी बजाई है जी हम तो धार्मिक है जी हम तो आरती उतारे हैं जी हम बड़े धार्मिक है जी भाइयों माफ करना जी इसी कारण से इसी वजह से ध्यान देना यही मूल कारण है कि एक केरला से कुछ बकवास कर देता है कोई कर्नाटक से अनर्गल प्रलाप करता है कोई बिहार से मेरे धर्म ग्रंथों पर आक्षेप करता है उसी का परिणाम है कि के हमें केवल माला वाले समझा गया है जिस दिन इस देश के अंदर अभी कह रही थी ना बहन मीनाक्षी जी केवल और केवल सनातन धर्म अरबों वर्ष पुराना है सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक सत्य और सनातन धर्म ऐसा है जो ना कभी मिटा और ना कभी मिटेगा जो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे ये खुद मिट जाएंगे चिंता ना करिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म को मिटाने वाले कितने आए स्वामी जी सोमनाथ की बात कर रहे थे ना बड़ा दर्द होता है बड़ा दुख होता है हम भारतीय बने हम हिंदुस्तानी बने हम ना बने हम भाला ले करके जिस दिन हमारी पहचान ये हो जाएगी उस दिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की तस्वीर अलग लिखी जाएगी ध्यान देना सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी हम खामोश रहे जिसने चाहा हमको लूटा फिर भी हम खामोश रहे सदियों का इतिहास पुराना कायरता की गाथा है और आज संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है कि सहते सहते जुल्म आज हम उस जगह पर आ पहुंचे जिसके आगे खतरों का भविष्य हमारा है महाकाल प्रियंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में अरे एक बार तो कहो हिंदुओं के हिंदुस्तान कोई पाकिस्तानी बैठा है क्या तो डर क्यों रहे हो जोर से बोलो हिंदुस्तान हिंदुस्तान पीछे वालों का नहीं है क्या पगड़ी वालों जरा जोर से बोलो हिंदुस्तान 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 और हिंदुस्तान का जो धर्म है हम सब समझते हैं इसलिए इतना ही मैंने सोचा बहन का भी आदेश हो गया कि जल्दी करो जल्दी करो हिंदुस्तान तो इस हिंदुस्तान की रक्षा करना भी हमारा धर्म है ध्यान देना मैंने इस थोड़े से वक्तव्य में आप सबके मन की आप सबके दिल की जो धारणा थी जो बात थी मैंने आपके बीच में रखी बोलिए भारत माता की